तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की अगर आप किस्त चेक करना चाहते हैं तो इतना आसान बताऊंगा मैं कि इसको कोई भी कर लेगा, कोई भी कर लेगा। और अगर आपका पैसा नहीं आया है तो आप क्या कर सकते हैं जिससे आपका पैसा आ जाएगा, पूरी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। सबसे पहले हम चेक करना बताएंगे कि कैसे हम इसको चेक करेंगे। तो यहां पर आपको अपना जो है गूगल ओपन कर लेना है, मोबाइल स्क्रीन पर हम आ चुके हैं। जो जो मैं करता जाऊं वो आप करते जाएगा। यहां पर आप पीएम किसान जैसे ही सर्च करेंगे तो सबसे पहली वाली जो वेबसाइट आपको दिख रही है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इतना आसान और इजी है, बहुत आसान है, ठीक। यहां पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहां पर आपको ऊपर थ्री लाइंस जो दिख रही है ना, थ्री बिंदु, इन बिंदी पर आपको क्लिक करके पहले आपको इसको डेस्कटॉप साइज में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक। उसके बाद आप यहां पर देखेंगे जो वेबसाइट है कुछ इस तरीके से ओपन होगी, जिसमें आपको दूसरी तरफ जो दिख रहा है उस साइट आपको एक ऑप्शन मिलेगा। मैं आपको जूम करके यहां पर दिखा देता हूं। जैसे ही हम इसको जूम करेंगे तो यहां पर एक ऑप्शन मिल जाएगा, बेनिफिशियरी और स्टेटस, ठीक। तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास तीन ऑप्शन आएंगे। सबसे पहले आधार कार्ड, दूसरे नंबर पर बैंक खाते से भी आप चेक कर पाएंगे, तीसरा आप मोबाइल नंबर से भी चेक कर पाएंगे। जो भी आपके पास है आप उससे चेक कर लीजिएगा। यहां पर देख सकते हैं तीनों ऑप्शन नजर आ रहे हैं, जिसमें मैं यहां पर बैंक अकाउंट नंबर से सिलेक्ट करना चाहूंगा। तो यहां पर बैंक अकाउंट नंबर पर मैंने क्लिक किया और यहां पर आपको अपना खाता नंबर डाल देना जो भी आपका बैंक है, ठीक। यहां पर मैंने खाता नंबर डाल दिया। गेट डाटा पर आपको क्लिक कर देना, बहुत आसान है, इसको कोई भी कर लेगा, ठीक। यहां पर देख सकते हैं पूरी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। अब कैसे इसमें इंफॉर्मेशन दिखती है मैं वो भी आपको दिखा देता हूं। यहां पर देख सकते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट और जो है थर्ड स्टेटमेंट, ठीक। तो यहां पर आप इन जो है मेरी यहां पर देख सकते हैं चार दिखा रहा है, यानी कि चार आ चुकी है, लेकिन इनकी यहां पर पांचवी अभी नहीं आई है, ठीक। और जो चौथी आई है उसकी डेट भी आपको दिख जाएगी कि कब आया है पैसा। यहां पर दिखा रहा है 25/12/2020, यानी कि 25 दिसंबर 2020 को पिछली जो है 2020 को आ चुका है इनका पैसा। अब आप सोचेंगे कि यार पैसा आया कितना कैसे, ये भी आप बिल्कुल आप पासबुक की भी इसमें कॉपी ले पाएंगे। कैसे मैं आपको वो बताता हूं, देखिए। अब हम चलते हैं बैक और दूसरी वेबसाइट ओपन करते हैं, उसमें भी आपको सिर्फ खाता नंबर ही डालना होगा और आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना पैसा इसमें आया हुआ है, ठीक। यहां से आप कट कर दीजिएगा, आप फिर से गूगल में टाइप कीजिएगा PFMS, ठीक। आपको ये चार वर्ड टाइप करना है, ध्यान रखिएगा, PFMS। ये मैंने सर्च किया PFMS और इसको हम सर्च करने के बाद आपको यहां पर एक ऑप्शन मिल जाएगा नो योर पेमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप ऊपर इसको भी आप जो है डेस्कटॉप साइज में कर लीजिएगा, ऊपर तीन लाइंस पर क्लिक करके और डेस्कटॉप साइज पर क्लिक कर लेना है। यहां पर आप ऊपर बैंक सेलेक्ट कर लीजिएगा अपना और दो जगह आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है और ये कैप्चर कोड आपको नीचे फिल कर देना है, बस, ठीक। यहां पर देखिए जैसे ही आप बैंक पर क्लिक करेंगे आपका जो भी बैंक है आप उसके कुछ वर्ड टाइप करेंगे तो नीचे बहुत लंबी लिस्ट आ जाएगी। आपका जो भी बैंक है उसमें से सिलेक्ट कर लीजिएगा और उस बैंक को यहां पर क्लिक कर दीजिएगा तो बैंक यहां पर आ जाएगा, ठीक। उसके बाद नीचे आपको अपना अकाउंट नंबर डाल देना है और वही कंफर्म अकाउंट नंबर आपको नीचे भी डाल देना है, ठीक। और ये कैप्चर कोड आपको डाल देना है। कैप्चर कोड डालने के बाद जैसे ही सर्च बटन पर आप क्लिक करेंगे यहां पर देख सकते हैं ये अकाउंट है और इसमें कब पैसा आया है, ये फलाने नाम का अकाउंट है, ये 1500 रुपए है इनके जो है और इनके इसमें रिसीव दिखा रहे हैं 24/12/2020 और उसमें दिखा रहे थे 25 को, यानी कि इसमें जो पैसा आता है वो दिखाता है बैंक पासबुक की तरह और उसमें फीड होने में एक दिन का लगभग टाइम लग जाता है तो उसमें दिख रहा है 25 का और इसमें जो पैसा आया है वो आया है आपका 1500 रुपए। तो इस तरीके से आप बड़े ही इजी तरीके से चेक कर सकते हैं। अब जिन लोगों का अगर नहीं आ रही है किस्त तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, हम अगला वीडियो लाएंगे कि इसमें आप क्या जो है प्रोसेस कर सकेंगे जिससे आपका पैसा आ जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।